मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 31वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी बेन पहुंची और उन्होंने यूनिवर्सिटी की छात्राओं को सम्मानित किया। विश्व तेजी से व्यक्तिवाद की ओर बढ़ रहा है, किंतु व्यक्तिवाद में सुख का अभाव है। प्रसन्नता की बात है, विद्यार्थियों में सार्वभौमिक भावना का अभाव जागरूक हो। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में इसी दृष्टिकोण से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध एकात्म मानव दर्शन से विद्यार्थियों को परिचित कराकर उन्हें समझने के साथ जोड़ रही है। दूसरी ओर समतापूर्ण समाज के निर्माण के अभाव में एकात्मता का प्रकटीकरण असंभव है। इसलिए भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय इस विश्वविद्यालय में बाबू जगजीवन राम शोध पीठ की स्थापना की। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वविद्यालय स्वयं को समाहित कर सामाजिक मुद्दों के परिपालन में सक्रियता बनाए हुए। संभल जनपद के गांव निजामपुर बेल बाबा आश्रम के मंदिर में यूतो नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन निजामपुर के बेल बाबा आश्रम का नवरात्रि में विशेष महत्व है। यहां नवरात्रि में विशेष भीड़ देखने को मिलती है। यहां पर नवरात्रि में दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना की गई और श्रीमद भागवत कथा मंचन प्रारंभ किया गया। पुजारी जी से जानकारी साझा करते हैं। बुआ जी, यहाँ जो आश्रम है वो ये बिलवावा नाम किस से पड़ा है? बिलवावा महाराज जी की यहाँ पे अखंड समाधि है। आज तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि कौन सी किस चीज़ की समाधि है, किस चीज़ के बाबा हैं या महाशक्ति हैं, माँ लक्ष्मी हैं, माँ गौरी हैं, नारायणी हैं, कौन सी यहाँ शक्ति है भोले बाबा की। लेकिन ये है, यहाँ पे जो बिल बाबा का पेड़ था उस पेड़ के ऊपर ये आधार पे ही गांव वालों ने निजामपुर बिल बाबा नाम रखा बिल बाबा जी का। आप कितने दिनों से पूजा कर रही हैं? मैं यहाँ 15-20 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन मैं 10 साल से तो परमानेंट यहाँ रह रही हूँ। ये कितना पुराना मंदिर है? ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। अच्छा, जो दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना हुई है ये हर वर्ष की जाती है? आज नहीं, नहीं पहली बार हुई है। पहली बार हुई है। और भागवत आगरा जिला चिकित्सालय में आज कायाकल्प अवार्ड व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश मुख्य अतिथि व विशेष अतिथि डॉक्टर एके मित्तल, अपर निदेशक आगरा मंडल, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा, मंडलीय अपर निदेशक एवं मुख्य अधीक्षक जिला चिकित्सालय आगरा मुख्य रूप से मौजूद थे। नागौर जिले की खेवसर विधानसभा सीट के लिए आरएलपी और भाजपा के गठबंधन उम्मीदवार नारायण बेनीवाल ने आज पर्चा भरा। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी दलजीत यादव को अपना नामांकन पेश किया। नामांकन दाखिल करने के बाद खेवसर में नारायण बेनीवाल के समर्थन में एक चुनावी सभा हुई, जिसमें पार्टी के काफी नेता मौजूद रहे। नागौर जिले के खीवसर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने खीवसर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अराजकता का माहौल है,
देश की जनता खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है। मानसिक तनाव के चलते पुलिसकर्मियों के आए दिन आत्महत्या के मामले को लेकर खाकी को चुस्त दुरुस्त व तनाव मुक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को महोबा पुलिस लाइन में एसपी की अध्यक्षता में नागपुर से आए एनजीओ कार्यकर्ताओं द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों को स्वस्थ व तनाव मुक्त रहने के तरीके बताए गए। इसके अलावा योगा पर भी विशेष बल दिया गया।